सिम्बा नागपाल, जो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं, वो न केवल गुड लुकिंग हैं, बल्कि उनका टैलेंट भी लोगों को हैरान कर देता है। पॉपुलर शो शक्ति और नागिन 6 में अपनी जोरदार एक्टिंग के बाद सिम्बा नागपाल ने एक बार फिर धमाकेदार वापसी की है। टीवी शो बरसाते मौसम प्यार का से सिम्बा शो में जय खुराना के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी एक्टर सिम्बा नागपाल की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। आज हम इस वीडियो में इनकी लाइफ से जुड़ी सभी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप भी सिम्बा नागपाल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है सिम्बा नागपाल और निक नेम है सिम्बू एंड सिमी। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्टर एंड मॉडल हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1996 और 2023 के हिसाब से अभी इनकी एज है 27 इयर्स। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन न्यू दिल्ली, इंडिया है और इनका करंट एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र है। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनलिटी से इंडियन हैं। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाय प्रोफेशन सिम्बा के फादर नेशनल लेवल बॉक्सिंग प्लेयर हैं। इनकी मदर का नेम है ज्योति नागपाल, जिन्हें आप इमेज में देख सकते हैं। हॉबी की बात करें तो इन्हें डांसिंग एंड जिमिंग पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रोक्स 183 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट 0 इंचेस एंड वेट है अप्रोक्स 80 किलोग्राम। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुरुग्राम, हरियाणा से कंप्लीट की है एंड अपना कॉलेज इन्होंने अंसल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा से कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अब जान लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मॉडलिंग शुरू कर दी। उन्होंने कई फेमस फैशन ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक भी किया। हालांकि जब वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे तो वो एक्टिंग एजेंट के कांटेक्ट में आए और उन्होंने मुंबई जाने का प्लान बनाया और मुंबई में कुछ प्रपोजल्स एक्सेप्ट करने में भी कामयाब रहे। इसके बाद वो इसी सिलसिले में वीकेंड पर मुंबई जाते रहते थे। आखिरकार उन्हें साल 2018 में रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला सीजन 11 से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया, लेकिन सिम्बा विनर नहीं बन पाए। इसके बाद 2019 में सिम्बा ने MTV के एक और रियलिटी शो MTV रोडीज के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उनका उस शो के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। वही साल 2019 में सिम्बा को कलर्स टीवी के सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में विराट सिंह का रोल ऑफ हुआ था, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और बखूबी निभाया। जिज्ञासा सिंह के साथ इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया और टीवी दर्शकों के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना ली। इस सीरियल में काम करके सिम्बा को काफी पॉपुलैरिटी मिली और उन्हें अर्बन क्लैप और फासूस जैसे ब्रांड के विज्ञापनों में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद सिम्बा ने बिग बॉस 15 में शामिल होने के लिए शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की छोड़ दिया। फिर 2021 में वो कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए। इसके बाद 2022 में सिम्बा को एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शो नागिन 6 में काम करने का मौका मिला, जहां पर इन्होंने ऋषभ गुजराल का रोल प्ले किया। शो में लीप आने की वजह से इन्होंने ये शो क्विट कर दिया। अब 2023 में ये नजर आ रहे हैं सोनी टीवी के शो बरसाते मौसम प्यार का में, जहाँ पर ये जय खुराना का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, मेकर्स यहाँ पर भी लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आराधना के साथ किसकी जोड़ी अच्छी लगेगी, रेयांश या जय की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको सिम्बा नागपाल का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमेरिड है और गर्लफ्रेंड की अगर बात करें तो ये स्प्लिट्सविला सीजन 11 के बाद मोनाल जगतानी को डेट कर रहे थे एंड अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये लगभग 40,000 रूपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ है लगभग $2 मिलियन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल आप किस सेलिब्रिटी की चाहते हैं। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।